जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। वैदिक पुराणों के अनुसार, हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, एक वर्ष में चार नवरात्रि आते हैं, जिसमें से दो गुप्त नवरात्रि कहलाते हैं और दो नवरात्रि जो आते हैं वो विशेष सबको जानकारी है, और गुप्त नवरात्रि के बारे में कम जानकार हैं। और आज जो वर्तमान समय में गुप्त नवरात्रि का पर्व चल रहा है और आज छठा हो चुकी है, तो आपको एक बहुत ही सटीक उपाय लेकर आया हूं, जो अधिकतर में हमारे जो कस्टमर होते हैं उनको मैं बताता रहता हूं और अधिकतर सबके काम हुए हैं। और आज ऐसा उपाय बता रहा हूं गुप्त नवरात्रि के उपलक्ष्य में। आप कृपया इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, यदि आप इसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे तो हो सकता है आपको पूरी जानकारी नहीं मिले। ऐसी गोपनीय गुप्त चर्चा करने जा रहा हूं, जो मेरा दावा है कि 1,00,000 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को इस बारे में जानकारी होगी, बाकी बहुत कम जानकारी है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे विद्वान पुरुष भी बहुत बड़ी गलती कर बैठे रहते हैं, तो अधिक विलंब न करते हुए आज की यात्रा प्रारंभ करता हूं। एक गुड़ल का फूल होता है, गुड़ल फूल जो माँ दुर्गा के चरणों में चढ़ा जाता है और श्री हनुमान जी के मस्तक पर चढ़ाया जाता है। इसके अलावा तीसरे अन्य किसी देवी देवताओं को ये फूल सदा वर्जित रहा है, लेकिन मैं अधिकतर देखता हूँ कि ये गुड़ल का फूल अज्ञानवश श्री गणेश जी से लेकर विष्णु, अन्य जितने भी देवी देवता हैं सबको ये फूल चढ़ा देते हैं, जबकि सर्वथा वर्जित है। सिर्फ दो ही देवी देवता हैं जिनको ये फूल चढ़ा जाता है, और उसी में ही इसको रेमेडीज के रूप में मैं बताता हूं, और जब भी फायदा होता है, अन्यथा जो चढ़ाते हैं तो मर्जी पड़े तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई फायदा नहीं, नुकसान तो नहीं होता है लेकिन फायदा कुछ भी नहीं होता। तो आज मैं आपके सामने इस गुड़हल के फूल के बारे में तीन महत्वपूर्ण उपाय बता रहा हूं, जो गुप्त नवरात्रा या आपके जो चैत्र अश्विनी के जो नवरात्र आता है, इन चारों नवरात्रों में विशेष इसका महत्व है। इसके अलावा में परेशानी आ गई है और हम नवरात्रा का इंतजार नहीं करते हैं, कर सकते हैं, तो किसी भी शुभ मुहूर्त में शुक्ल पक्ष में, एक तो रवि, मैं वार भी बताऊंगा, रविवार और मंगलवार दो वार ऐसे हैं जिसमें ये उपाय किया जा सकता है। तो अधिक विलंब न करते हुए गुड़हल के फूल में जो आपकी जिज्ञासा है उसके बता रहा हूँ। यह है गुड़हल का फूल, ये बिल्कुल रक्त के समान है, खून। ये माँ दुर्गा ने रक्त बीज का जब वध किया था तो उस समय प्रसन्न होकर इन बीजों को, एक असुर मारा जाता और हजारों उसको पैदा हो जाते थे, तो ये दुर्गा का शत्रु है, लेकिन इसके फूल के उपाय करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होकर अपने भक्तों को जो भी समस्या हो उसके बारे में बहुत जल्दी सफलता देती है, उसकी मनोकामना पूरी करती है। ठीक उसी तरह से श्री हनुमान जी को मस्तक पर फूल चढ़ा जाता है, ये कभी भी भूलकर इसको पैरों में नहीं लगाते हैं, ये हनुमान जी के मस्तक पे चढ़ा जाता है। इसके अलावा किसी भी देवी देवताओं को ये फूल चढ़ाना अत्यंत घातक हो सकता है, वर्जित है, या फिर उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है। अब एक उपाय बता रहा हूँ, जो हार चुके हैं और किसी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, काम होते होते रुक जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के जो निराश हो चुके हैं उनके लिए एक उपाय यह है कि किसी भी शुभ मुहूर्त में रविवार के दिन किसी प्रतिष्ठित शिवालय में जाए, और शिवालय में एक तो ये फूल लेके जाए और एक इत्र की शीशी लेके जाए और छोटा सा लाल रंग का कपड़ा लेकर जाएं, और जो भी आपको परेशानी है, बहुत परेशान हो चुके हैं, काम नहीं बन पा रहा है, किसी के पास जाते हैं और काम
हाथ से निकल जाता है। टेंडर संबंधित कार्य हो या कोई सा भी कार्य हो, उस कार्य में आपको 100% नहीं 1000% सफलता लाएगा। करना क्या है, शुभ मुहूर्त में रविवार के दिन जाना है, पूर्णा तिथि हो, रिक्ता तिथि नहीं होना चाहिए। रब रिक्ता तिथि को पूर्णा तिथि क्या होती है, पूर्णा होती है 5, 10 और 15, इन तिथियों में आप जाएं या और जाकर आप सर्वप्रथम भगवान शंकर को वो जो इत्र की शीशी ले गए हैं वो सारी इत्र भगवान शिव पर चढ़ा दें। उसके उपरांत माँ दुर्गा के चरणों में ये गुड़हल का फूल, रक्त बीज होता है, इसको आपकी तरफ होगा, इस तरह चढ़ाएं। और चढ़ाने के बाद में शिव शंकर भगवान से और माँ दुर्गा से निवेदन करें कि माँ मेरा ये कार्य नहीं हो पा रहा है, आपको ये कार्य करने में आपको हमारी मदद करनी ही पड़ेगी। ऐसा ध्यान लगाते हुए मंत्रों का, जो भी आपको मंत्र आते हैं शिव के, वो ध्यान कीजिए, मंत्र बोलिए। मंत्र नहीं बोल सकते हो तो उनका ध्यान कीजिए कि मेरी मनोकामना पूरी होने जा रही है। उसके बाद में जो आपने माँ दुर्गा के चरणों में ये फूल चढ़ाया है उसको निवेदन करते उठा लीजिए, और उठाने के बाद में जहाँ शिव शंकर भगवान पर आपने इत्र लगाया था वो इत्र इन ये फूल है उसको लिंग पर जो लगते हुए ये पंखुड़ियाँ हैं उस पर इत्र लगना चाहिए, चारों पर इत्र लग जाए। और उन्हीं के सामने एक लाल कपड़े में इसको बांध दें और घर पर ले आएँ, और आपका जब पूजा स्थल है वहाँ पर रख दें, और जब किसी कार्य के लिए आप जा रहे हैं उस समय इसको साथ ले जाएं तो आपका काम 100% पूर्ण होगा। अब नंबर दो जो है, यदि आपको माँ दुर्गा से कोई सा भी समस्या हो, बीमारी, शत्रु या कर्ज, इन समस्याओं से आप ग्रसित हैं, तो रविवार के दिन जाएं और माँ दुर्गा के चरणों में यह रक्तपुष्प गुड़हल के फूल 9 की संख्या में बाएं से दाएं की तरफ ले जाते हुए रख दें। ऐसा करने से आपका कार्य पूरा होगा। नंबर दो तो चुका बता चुका हूँ, अब तीसरा जो है वो श्री हनुमान जी के मंगलवार के दिन जाएं और उनको इसकी माला, गुड़हल की माला पहनाते हुए, या तो गुड़हल की माला पहनाएं या फिर माला भी चढ़ाएं, तो 11, 21 और 51 विषम संख्याओं में इसकी फूलों की माला भगवान हनुमान जी को गले में पहना दें। और उसके बाद में जो आपके प्रतिद्वंदी हैं या आप प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जा रहे हैं तो हर मंगलवार को लगातार ही यह कार्य करना होगा, तो आपको कंपटीशन में सफलता मिलेगी। यदि आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी, या फिर आपके मुकदमे से परेशान हैं तो आपको इसमें सफलता मिलेगी। करना है सोमवार तो प्रारंभ करते हुए ये कर ले आएँ, और आपका जब पूजा स्थल है वहाँ पर रख दें, और जब किसी कार्य के लिए आप जा रहे हैं उस समय इसको साथ ले जाएं तो आपका काम 100% पूर्ण होगा। अब नंबर दो जो है, यदि आपको माँ दुर्गा से कोई सा भी समस्या हो, बीमारी, शत्रु या कर्ज, इन समस्याओं से आप ग्रसित हैं तो रविवार के दिन जाएं और माँ दुर्गा के चरणों में यह रक्तपुष्प गुड़हल के फूल 9 की संख्या में बाएं से दाएं की तरफ ले जाते हुए रख दें। ऐसा करने से आपका कार्य पूरा होगा। नंबर दो तो चुका बता चुका हूँ, अब तीसरा जो है वो श्री हनुमान जी के मंगलवार के दिन जाएं और उनको इसकी माला, गुड़हल की माला पहनाते हुए, या तो गुड़हल की माला पहनाएं या फिर माला भी चढ़ाएं, तो 11, 21 और 51 विषम संख्याओं में इसकी फूलों की माला भगवान हनुमान जी को गले में पहना दें। और उसके बाद में जो आपके प्रतिद्वंदी हैं या आप प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जा रहे हैं तो हर मंगलवार को लगातार ही यह कार्य करना होगा, तो आपको कंपटीशन में सफलता मिलेगी। यदि आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी, या फिर आपके मुकदमे से परेशान हैं तो आपको इसमें सफलता मिलेगी। करना है सोमवार तो प्रारंभ करते हुए
ये कार्य करना है, और लगातार जब तक आपका काम नहीं हुआ तब तक करें। ये तीन उपाय मैं आपको बताया हूँ, ये आपको विधि विधान से करना है, और यदि कोई गलती नहीं रह जाए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। रेमेडीज उपाय के हमारे पास कोई चार्ज नहीं, कोई शुल्क नहीं है, हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन यदि आप कुंडली का विश्लेषण करते हैं, कराते हैं, तो विश्लेषण कराने के लिए एक शर्त यह है कि हम आपसे बहुत नाम मात्र का शुल्क लेते हैं, एक प्रश्न के 500 रुपये और दो प्रश्नों के हमें 1000 रुपये लेते हैं। लेकिन अधिकतर कस्टमर फ़ोन करके वो 200 रुपये में या 250 रुपये में काम कराना चाहते हैं, तो ऐसे प्लीज ऐसे परेशान नहीं करें। मैं अधिकतर लोगों का फ़ोन इसलिए नहीं उठाता हूँ, आप 500 जो हमारी निर्धारित फीस है वो काम 500 पे करें, उसके बाद में ही मैं आपका कार्य कर सकता हूँ। जय श्री कृष्णा। अब आज का जो वीडियो है इतना ही था, अगले वीडियो को नई चर्चा के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।